दोस्तों बिग बॉस 16 में अपनी क्यूटनेस से पूरे देश का दिल जीतने वाले अब्दू रोजिक भले ही अब शो का हिस्सा न हो, लेकिन वो हर समय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बिग बॉस 16 से बाहर आने के बाद अब्दू लाइफ टाइम में छाए हुए हैं। दोस्तों अब्दू रोजिक की अब दुनिया भर में फैन फॉलोइंग हो चुकी है, भारत में भी उनके खूब चाहने वाले हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि अब्दू रोजिक को बहुत प्यार दिया जाता है, लेकिन एक लेटेस्ट वीडियो की वजह से अब्दू बुरी तरह ट्रोल किए जा रहे हैं। दोस्तों अब्दू रोजिक की ये वीडियो थोड़ा सा फनी है, लेकिन अब्दू रोजिक इसमें एक गलती कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 19 साल के अब्दू रोजिक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वह बाथटब में बैठकर अपने कपड़े धोते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अब्दू अपना गाना प्यार भी गा रहे हैं। यूं तो अब्दू रोजिक अपने हर वीडियो से प्यार बटोरते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। अब बताइए इस वीडियो में क्या छिपा है जिससे अब्दू रोजिक को ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों अगर आपको वो बात अभी भी नहीं दिखी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों अब्दू रोजिक बाथटब में तो कपड़े धोने के लिए बैठे, लेकिन उन्होंने टैब खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से पानी काफी बर्बाद हो रहा है। इस वजह से अब्दू को लोग काफी खरी खोटी सुना रहे हैं। बिग बॉस 16 के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी में से एक अब्दू रोजिक तजाकिस्तान के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तजाकिस्तानी सिंगर होने के साथ साथ एक फेमस सोशल मीडिया स्टार भी अब्दू रोजिक हैं। अब्दू रोजिक के वर्क फ्रंट की बात करें तो चर्चा है कि वह बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगे। दोस्तों खबरों की माने तो उन्हें बिग ब्रदर्स यूके के नए सीजन के लिए भी ऑफर मिला है और उन्होंने ये ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों अब्दू रोजिक के द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए, और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।